साइक्लोटोन के अंदर ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पार्टिकल डी के अंदर मूव करता है, तो डी के अंदर जब वो मूव कर रहा है तो ऑसिलेटर लगा हुआ है जो डी के ऊपर चार्जेस को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट ऐसे प्रोड्यूस करता है। तो कितने रेडियस में पार्टिकल घूमता है, आर का फॉर्मूला वही जो हम नॉर्मली यूज करते आए हैं, आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, और एक पूरा चक्कर दोनों डीज को मिला के टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड है, 2 पाई एम बाई बी क्यू, 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन शायद किया था इस टाइप का, ये क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है, इन अ साइक्लोट्रोन मैग्नेटिक इंडक्शन बी की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है और प्रोटॉन्स घूम रहे हैं, हाउ रेपिडली शुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन डीज बी रिवर्स्ड, कितनी जल्दी जल्दी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें। इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि वो चेंज करवाता कौन है, वो चेंज करवाता है ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर 1 सेकंड में कितनी बार फील्ड को चेंज करता है ये आपको पूछ रहा है। तो ऑसिलेटर कितनी बार चेंज करता है 1 सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसमें, और इसमें मास ऑफ प्रोटोन के बने। अब फ्रीक्वेंसी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, फॉर्मूला के लिए एक पार्टिकल एक पूरा चक्कर, पूरे चक्कर का मतलब है एक डी और दूसरी डी मिला के 2 पाई एम बाय बी क्यू, तो कैपिटल टी की जगह क्या 2 पाई एम बाय बी क्यू, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 अपॉन टाइम पीरियड, जो कि क्या होगा बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, ये लो ऐसे। तो ये इसकी क्या जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो कुछ नहीं करना, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो भी ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है, ऑसिलेटर का टाइम पीरियड क्या होता था, ये होता था, इसका रेसिप्रोकल लेंगे आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय अ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज 20 किलो वोल्ट, तो कह रहे जी मैंने वी क्या अप्लाई किया, बहुत वी अप्लाई किया, मैक्सिमम 20 किलो वोल्ट, 20,000 वोल्ट, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय दी प्रोटोन, उसने कितने चक्कर काटे, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, कितने ऐसे चक्कर काटे टू अचीव 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, ताकि स्पीड कितनी हो जाए c/5, c/5 क्या, जितनी स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइडेड बाय 5। अब क्या रूल है, पहला पहला रूल ये है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया v, तो एक एक प्रोटॉन को कितनी एनर्जी दी हमने ई इंटू वी, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, तो कितनी एनर्जी दी हमने क्यू इंटू वी। अब ये ऑसिलेटर ने कैसे दी, ऑसिलेटर ने ये एनर्जी ऐसे दी कि एक ये डी है और एक ये डी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कर दिया, तो वी पोटेंशियल अप्लाई किया, तो ऐसा करने पे एक डी में एक प्रोटॉन यहां से यहां आ गया, फिर जैसे ही बीच में आया चार्ज चेंज हो गए, तो उसको फिर से एक और भी अप्लाई करना पड़ा ताकि दूसरा चक्कर भी पूरा हो जाए, ये दूसरी डी में चक्कर पूरा हो जाए। तो एक पोटेंशियल कितनी एनर्जी देता है ई इंटू वी, इससे पार्टिकल आधी डी में घूमता है, सिर्फ एक डी में घूमता है, और अगर दूसरी डी में भी घुमाना है तो सेम एनर्जी उसको भी देनी पड़ेगी, यानी कि 2 ev। तो यही कह रहे हैं, एक कंप्लीट चक्कर अगर चाहते हो कि प्रोटोन लगाए तो टोटल एनर्जी 1 ev नहीं 2 ev है। ऐसे करके उसने कितने चक्कर लगाए, एन 1 ev, 2 ev, 3 ev, 4 ev करते गए, 2 ev एक चक्कर है, एन इंटू 2 ev आखिरी चक्कर है, तो आखिरी चक्कर की एनर्जी एन इंटू 2 ev। तो वो जो प्रोटोन है वो किस फॉर्म में बाहर आया, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो टोटल एनर्जी आएगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी इक्वल टू 1/2 mv2। यहां से सॉल्व करके आपको एन निकालना है, आपको सारी चीजें पता है, और स्पीड कितनी गिवन है c/5 आंसर। तो पॉइंट क्लियर है कि साइक्लोट्रॉन की प्रॉब्लम्स के अंदर क्या करना है इसमें।